नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि Facebook में टू स्टेप वेरिफिकेशन फीचर को कैसे इनेबल करते हैं। दोस्तों हम में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो टू स्टेप वेरिफिकेशन फीचर के बारे में नहीं जानते हैं। तो दोस्तों टू स्टेप वेरिफिकेशन फीचर को इनेबल कर देने से आपको फायदा ये होता है कि अगर आपका दोस्त आपके Facebook का यूजर ID और पासवर्ड जान जाए तो भी वो आपके Facebook अकाउंट में लॉगिन नहीं कर सकता है। दोस्तों इसका मेन रीजन ये होता है कि टू स्टेप वेरिफिकेशन फीचर ऑन कर देने से जब भी आप Facebook में अपने यूजर ID और पासवर्ड से लॉगिन करेंगे तो आप जो मोबाइल नंबर दिए होंगे टू स्टेप वेरिफिकेशन फीचर इनेबल करते समय उस नंबर पे एक OPT जाएगा और OPT डालने के बाद ही आप अपने Facebook अकाउंट में लॉगिन कर पाइएगा। दोस्तों टू स्टेप वेरिफिकेशन फीचर इनेबल कर देने से आपको एक और फायदा होता है, आपकी अकाउंट हैक होने की चांसेस बहुत कम हो जाती है, मतलब कि ना के बराबर चांसेस होती है। तो दोस्तों टू स्टेप वेरिफिकेशन फीचर को इनेबल करने के लिए ओपन कीजिएगा अपने Facebook ऐप को, और Facebook ऐप ओपन हो जाने के बाद यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा इस तीन लाइन पे, और तीन लाइन पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करके आइएगा तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेटिंग्स एंड प्राइवेसी, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे ड्रॉप डाउन होके एक सेटिंग्स का ऑप्शन फिर से खुलता है तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा सेटिंग्स पे। अब दोस्तों यहाँ पे आपको एक सिक्योरिटी वाला सेक्शन मिलेगा तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा सिक्योरिटी एंड लॉगिन, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा, और इसके बाद आप नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करके आइएगा तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखलाई दे रहा होगा टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। दोस्तों इसे ही हम टू स्टेप वेरिफिकेशन कहते हैं, तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन पे, और यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा टेक्स्ट मैसेज पे, यहाँ पे आप सिलेक्ट कीजिएगा, इसके बाद आप क्लिक कीजिएगा कंटिन्यू। यहाँ पे दोस्तों आप अपना मोबाइल नंबर डालिएगा, यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर को एंटर कर रहा हूँ, और मोबाइल नंबर डाल देने के बाद आप क्लिक कीजिएगा कंफर्म यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे अब आपका Facebook का पासवर्ड डालना होता है, अपना Facebook का पासवर्ड यहाँ पे डालिएगा। Facebook पासवर्ड डाल देने के बाद आप क्लिक कीजिएगा कंटिन्यू। दोस्तों अब यहाँ पे आपके डाले गए मोबाइल नंबर पे एक OPT आता है और उस OPT को यहाँ पे डालना होता है। मेरे फोन में वो OPT आ चुका है और मैं उस OPT को यहाँ पे फिलअप कर रहा हूँ। OPT डाल देने के बाद आप क्लिक कीजिएगा कंटिन्यू। अब दोस्तों यहाँ पे डन पे क्लिक कर देने के बाद आपकी टू स्टेप ऑथेंटिकेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। अब आप जब भी अपने Facebook अकाउंट में लॉगिन करेंगे, साइन इन करेंगे, तो आपके दिए हुए नंबर पे एक OPT आएगा और OPT डालने के बाद ही आप साइन इन कर पाइएगा। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आपको एक माइंड में ख्याल आता होगा कि अगर हमारा वो नंबर कभी बंद हो जाए या फिर भूल जाए तो हम फिर अपने अकाउंट में कैसे लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पे उसके लिए एक रिकवरी कोड होता है, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा और इस रिकवरी कोड का आप स्क्रीनशॉट लेके कहीं रख दीजिएगा। जब आपका मोबाइल नंबर भूल जाता है तो आप उस OPT के जगह पे आप इस कोड को डाल के अपने अकाउंट में साइन इन हो सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपके काम की होगी और आपके हेल्पफुल होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में, और ऐसे ही सिंपल सिंपल वीडियो मैं अपने चैनल पर लेकर आते रहता हूँ, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय।